हमें फ्रेम का कॉर्नर कट करना है। कॉर्नर कट कीजिए, ये देखिए कॉर्नर कैसे कटिंग होता है, ये मूविंग करना पड़ता है, ठीक है। और वैसे उधर से ये जब एकदम पूरा इधर आ जाएगा तो ब्लेड पूरा आगे तक कॉर्नर फिनिश कर देता है। उसका बाद में क्या होता है, ऐसे कॉर्नर कट हो जाता है वन साइड। ये कॉर्नर कटिंग होने का बाद में ये कॉर्नर को मेज़रमेंट करना पड़ता है। कैसे मेज़रमेंट करेंगे, यहाँ पर देखिए ये स्केल है, ये जो स्केल है मशीन में, ये स्केल है कॉर्नर मेज़रमेंट करने के लिए, ये स्केल कॉर्नर मेज़रमेंट करने के लिए, ठीक है। ये स्केल को हमने यहाँ पर देखिए कॉर्नर मेज़रमेंट कर लिया है, ठीक है। ये देखिए ये 0 cm से यहाँ स्टार्ट होता है, ये 1 cm है, ये 2 cm है, 3 cm है, ऐसे cm का हिसाब से ये कॉर्नर रेडी किया हुआ है। तो अभी क्या करना है, हमें ये कॉर्नर को पहले मेज़रमेंट करना है। ये कॉर्नर कितना आया, 1.8 cm, यहाँ तक आया है, इट मीन्स 1.8 cm, ठीक है। मतलब ये कॉर्नर हमारा अभी है 1.8 cm। सो ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर का मेजरिंग स्केल है, ये कॉर्नर का मेजरिंग स्केल है ये, और ये जो स्केल है, ये स्केल है फ्रेम का लेंथ कितना होगा, फ्रेम का यहाँ से यहाँ फ्रेम का लेंथ कितना होगा, वो लेंथ मेजरमेंट करने के लिए ये स्केल है, और ये कॉर्नर मेजरमेंट करने के लिए ये स्केल है। तो दोनों मेजरमेंट जब इक्वल होता है तब फ्रेम का साइज बनता है। सो अभी देखिए फ्रेम का मेजरमेंट और कॉर्नर का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, ये समझिए अच्छा से। तो कॉर्नर का मेजरमेंट कितना आया, 1.8, ये हो गया कॉर्नर, ये देखिए कॉर्नर कटा हुआ है, तो ये है कॉर्नर मेजरमेंट स्केल। कॉर्नर मेजरमेंट कितना है, 1.8 cm, और हमें लेंथ सपोज काटना है 4 इंच। 4 इंच का मतलब होता है 12 cm, सॉरी 10.2 cm, ओके 10.2 cm हो गया आपका। 4 इंच का मतलब हो गया 10.2 cm, 10.2 cm और 1.8 cm को अभी हम दोनों को मेज़र करेंगे। कैसे मेज़र करेंगे, ये स्केल को हम देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, मतलब 1.8 हो गया यहाँ तक। तो ये 1.8 और इस स्केल में हम लोग लेंगे 10.2 cm, 10.2 cm का मतलब हो गया 4 इंच। तो यहाँ यहाँ हो गया आपका 10 और इधर से 2 पॉइंट लेंगे, 10.2 cm इधर हो गया, ये 10.2 और इस स्केल का, इस स्केल का 1.8, ठीक है। ये हो गया 1.8, ये हो गया 0, ये 1 और ये 1.8, तो यहाँ पर हम 1.8 लेंगे इस स्केल का, राइट। ये 1.8 और यहाँ 10.2, ओके 1.8 और 10.2 को हम दोनों को इक्वली एडजस्ट कर देंगे, दोनों को ये हो गया 1.8 और ये हो गया 10.2, दोनों को हम इक्वली एडजस्ट करके यहाँ पर इस नॉब को टाइट कर देंगे। जैसे इस नॉब को टाइट कर देंगे तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका 4 इंच ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। देखिए अभी हम कटिंग कर रहे हैं, देखिए कटिंग, ओके ये देखिए अभी ये कटिंग हो गया। ये कटिंग होने के बाद में हम अभी इसका मेजरमेंट करेंगे। देखिए मेजरमेंट कैसे होगा, ये हो गया स्केल, स्केल में यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ 4 इंच है, हो गया आपका एग्जैक्टली 4 इंच। तो दिस इज द वे आपको ये कटिंग करना चाहिए, वेरी सिंपल है। अगर कोई कन्फ्यूजन है प्लीज़ कॉल मी।